मानना पड़ेगा कथा अनकही है, लेकिन वाकई में बहुत ही खूबसूरती से दर्शाई गई है। सीरियल में अब कहानी उस मोड़ पर, उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां वियान को ना गिल्ट हो रहा है, क्योंकि उसको कथा की असलियत पता लग गई है और कहीं ना कहीं अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कथा, रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम एक, मुझे माफ करो प्लीज, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे माफी मांगनी दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम एक माँ का था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वो 1 करोड़ अपने बच्चे के लिए चाहिए, एक छोटे बच्चे को कैंसर था, मुझे नहीं पता था तुम अकेली लड़ रही हो, मुझे नहीं पता था। एक कथा की सच्चाई के बारे में वियान को सब पता चल गया है। उसे ये पता चला है कि कथा एक सिंगल मदर है और उसके बेटे को कैंसर हो गया था। हाँ, मतलब शी एक्चुअली, मुझे लगता है कथा जो है पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहती है ज़्यादा, और इसीलिए वो शी इज़ इग्नोरिंग वियान एंड शी डजंट वांट टू आंसर टू ऑल हिज क्वेश्चंस जो भी उसके वियान के मन में है, एंड शी वॉन्ट्स टू मूव ऑन। इस माँ ने अकेले ही अपने बेटे का इलाज करवाया, उसे 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इन सब बातों को जब वियान ने सुना तो मानो उसे खुद से ही नफरत सी हो गई। वैसे भी उसने कथा के साथ जो किया उसे लेकर वो ऑलरेडी गिल्ट में है, और अब ये सच सुनकर उसे लग रहा है कि वो जिंदा क्यों है। मुझे आइडिया था कि कुछ तो है, समथिंग नॉट राइट ये सिचुएशन के बारे में, पर इस एंगल में, इस टेंजेंट में कि उसका एक बेटा है जो इतना बीमार था और मैंने वो सारी हरकतें की, तो इट्स जस्ट टू मच फॉर मी, आई कांट टेक इट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इट्स लाइक 5 मिलियन थॉट्स गोइंग ऑन इन माय हेड। वियान की माँ पार्टी में मिली कथा से और उसकी फैन हो गई, जैसे कि वियान और उसका दोस्त हो गया था। वही कथा के लिए एक गुड न्यूज आई है, उसे नौकरी मिल गई है। मैंने पराठे बनाए, आलू के पराठे, जो सब खुश हो गए, और मुझे वहाँ से जॉब का ऑफर आया, एंड देन आरफ का नया स्कूल शुरू, मतलब आरफ का स्कूलिंग शुरू होने वाला है, सो अभी तक उसका होम स्कूलिंग होता था, अब स्कूलिंग शुरू होने वाला है, सो दैट्स व्हाई कथा इज वेरी एक्साइटेड। क्या कथा अब वियान को माफ कर देगी? क्या सच में वो अब वियान का ऑफिस छोड़ देगी? अब इन सब बातों में बहुत सारे क्या है, लेकिन जवाब मिलेगा क्या ये तो हमें भी नहीं पता। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वो 1 करोड़ अपने बच्चे के लिए चाहिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बता दो, तुम अकेली लड़ रही हो, मुझे नहीं पता था। ABP News, आपको रखे आगे।